दिल में मेरे है दर्दे डिस्को, मेरे दिल में दर्दे डिस्को तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ इसको देखने के बाद कुछ लोगों के सर में जरूर सर्दे डिस्को हो जाएगा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस पीजे के लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी के लिए जनता आई थिंक माफ़ नहीं करने वाली है उस शख्स को जिसकी ये स्टोरी है। देखिए, कई लोग हमेशा से फैशन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर किसी के फैशन सेंस पर कमेंट करते हैं, जिन्हें हम फैशन पुलिस कह सकते हैं। इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं ही, लेकिन इन जनरल जनता में भी हर कोई हर तरह के फैशन को अडॉप्ट नहीं करता। और मैं आपको बता दूं कि इस फैशन की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी अगर किसी एक्ट्रेस के नाम पर रजिस्टर्ड है पिछले कुछ महीनों में नहीं बल्कि हिस्ट्री में, तो आई थिंक वो उर्फी जावेद ही हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद उर्फी ने जितना नाम किया है उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें उनके कपड़ों को लेकर बदनाम किया है। सो इस वक्त ऐसी ही कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उर्फी जावेद की, उनका सबसे रिसेंट लुक। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एज वेल, नॉट फॉर मी, मेरे लिए तो ये मैं इसे जज नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्फी की इस ड्रेस को, इस स्टाइल को अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रेस मान रहे हैं। आई थिंक ये ड्रेस भी नहीं है, अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लुक मान रहे हैं। वेल, आप सभी को बता दें कि इस वक्त उर्फी जावेद का ये लुक, जी हाँ, हालांकि इसमें फेस नहीं है लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो है दर्दे डिस्को। डिस्को थीम पर उर्फी जावेद ने ये लुक लिया है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने ब्रेस्ट्स कवर किए हैं और फेस कवर किया है। डिस्को काइंड ऑफ वाइब है ये, डिस्को लाइटिंग्स, आई थिंक जो डिस्को डिस्कोज में हम बहुत सारे इस तरह के शिमर इफेक्ट देखते हैं और उसी से उन्होंने अपने आप को कवर किया है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, फेस उन्होंने कवर किया हुआ है अपना। सो उर्फी का ये पूरा का पूरा लुक जो है ये काफ़ी अब सुर्खियां बटोर रहा है और डेफिनेटली फैंस बिल्कुल भी, कुछ लोग स्पेसिफिकली मोर सो इस लुक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इसके नीचे हालांकि ये सिर्फ उर्फी का ऊपर का लुक है, नीचे मैं आपको दिखा दूँ कि उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो ये उर्फी जावेद का जो लुक है, फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे बहुत ही बोल्ड मूव मान रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि डेफिनेटली उर्फी जावेद हैज़ सम गट्स एंड इस तरह की ड्रेसिंग को, ड्रेसिंग पहनना एक अलग बात है लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग को पहनकर बाहर चले जाना, कैरी करना, वो लेवल का कॉन्फिडेंस होना, वो लेवल का सेल्फ अश्योरेंस अपने आप में लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी में नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा है जो कह रहा है कि कुछ भी कर लेने से फैशन नहीं हो जाता, कुछ भी पहन लेना फैशन नहीं होता। वेल, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपकी इस ड्रेसिंग पर क्या राय है, इस लुक पर क्या राय है, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में।